सब्सक्राइब कीजिए इंडियन ब्यूटी बिट्स चैनल को और सामने जो बेल आइकन है उसे क्लिक कीजिए मेरे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हे गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक फेस मास्क जो कि है एक दुर्गा पूजा स्पेशल फेस मास्क। और ये फेस मास्क बाकी सारे फेस मास्क से अलग है क्योंकि इसे आपको वॉश नहीं करना है, इसे आपको पील ऑफ करना है। इसे यूज़ करने के बाद आपकी फेस बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग हो जाएगी और फेस ब्राइटर एंड हेल्दियर लगेगी देखने में। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। इस पील ऑफ मास्क को बनाने के लिए हमें चाहिए एलोवेरा जेल। मैंने यहाँ पे पतंजलि का एलोवेरा जेल लिया है। सिर्फ आपको 2 ड्रॉप्स ही एलोवेरा जेल ऐड करना है, इससे ज़्यादा नहीं। फिर आपको इसमें ऐड करना है कस्तूरी हल्दी, 1 पिंच ही आपको ऐड करना है हल्दी पाउडर का। और फिर आपको इसमें ऐड करना है पील ऑफ मास्क। मैंने यहाँ पे एवरयूथ का पील ऑफ मास्क यूज़ किया है। आप अपनी पसंद का कोई भी पील ऑफ मास्क यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये बजट फ्रेंडली है, ओनली 70 रुपीज़ का है। सो आप इसी पील ऑफ मास्क को यूज़ कर सकते हैं। आपको 2 टीस्पून पील ऑफ मास्क का इसमें ऐड करना है। इससे कम आप मत ऐड कीजिए क्योंकि हमें एक थिक लेयर अप्लाई करना है, तो इसीलिए आप 2 टीस्पून का पील ऑफ मास्क ऐड कीजिए। फिर इन तीनों को अच्छे से मिक्स कीजिए और इसका कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके से होना चाहिए जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ। सो हमारा पील ऑफ मास्क बनके रेडी है। सो चलिए इसे अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने से पहले आप अपने फेस को क्लीन कर लीजिए किसी भी फेस वॉश से और फिर आप इस पील ऑफ मास्क को अपने फेस में अप्लाई कीजिए। आपको एक थिक लेयर ऑफ पील ऑफ मास्क अपने फेस में अप्लाई करना है ताकि जब हम इसे पील ऑफ करें ये एक ही बार में पूरे फेस से पील ऑफ हो जाए। सो मैं यहाँ पे पील ऑफ मास्क अप्लाई कर रही हूँ, एक थिक लेयर अप्लाई कर रही हूँ मेरे पूरे फेस में। मैंने यहाँ पे हल्दी पाउडर यूज किया है क्योंकि हल्दी पाउडर में एंटी बैक्टीरियल एंड एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होती है जो आपके फेस में बैक्टीरिया को आने से प्रिवेंट करती है और प्लस एक हेल्दी ग्लो लाती है टर्मरिक हमारे फेस में। और एलोवेरा जेल आपके फेस को मॉइस्चराइज रखेगा प्लस आपके फेस से इरिटेशन को भी रिड्यूस करेगा। और मैंने यहाँ पे एवरग्रीन पील ऑफ मास्क यूज किया है क्योंकि इससे बहुत ही अच्छी तरीके से एक ग्लो आता है हमारे फेस में, इंस्टेंट ग्लो आता है। एंड इस पील ऑफ मास्क को आपको अपनी आईब्रोज में एंड अपने आईज के अराउंड बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना है। सो आप देख सकते हो मैंने पूरे फेस में पील ऑफ मास्क को अप्लाई कर लिया है। अब हमें इसे ड्राई होने तक वेट करना है। सो गाइस, मेरा मास्क कम्प्लीटली ड्राई हो चुका है, बिल्कुल भी वेट नहीं है। एंड आपको इसे पूरा ड्राई होने के बाद ही आपको इसे पील ऑफ करना है। सो अभी मैं इसे पील ऑफ कर रही हूँ। सो आप देख सकते हो मैं इसे पील ऑफ कर रही हूँ अपवर्ड डायरेक्शन में। आपको भी पील ऑफ मास्क को हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में पील ऑफ करना है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मत कीजिए। और आप देख सकते हो मेरा पील ऑफ मास्क बहुत ही इजीली निकल रहा है। सो बहुत लोगों का एक ही बार में नहीं निकलता है, लेकिन अगर आप मेरे बताए गए क्वांटिटी के साथ इस पील ऑफ मास्क को यूज़ करोगे तो आपका भी एक ही बार में पील ऑफ इजीली हो जाएगा ये मास्क। एंड गाइस, इसमें दर्द नहीं होता है। सो आप टेंशन बिल्कुल भी मत कीजिए, आपको दर्द नहीं होगा। और बहुत ही पेशेंस आपको रखना है और बिल्कुल भी जल्दबाजी में आपको इसे नहीं करना है। बहुत ही धीरे धीरे अच्छी तरीके से पील ऑफ कीजिए। सो आप देख सकते हो एक ही बार में पूरा फेस मास्क पील ऑफ हो चुका है। सो अब मैं मेरे फेस को वॉश करूँगी नॉर्मल प्लेन वाटर से। सो गाइस, मैंने अपने फेस को वॉश कर लिया है और आप देख सकते हो इंस्टेंटली मेरे फेस में एक ग्लो आया है। फेस एकदम फ्रेश, क्लीन एंड क्लियर लग रही है। सो आप इस फेस्टिव सीजन में इस फेस पैक को जरूर ट्राई कीजिए। और सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। टिल देन आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय।